नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। शनिवार को जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ गाजीपुर नगर के मिश्र बाजार, लाल दरवाजा, पचरस्ता, प्रकाश टॉकीज, टाउन हॉल, स्मीर घाट, चीतनाक, नखास, नवाबगंज फाटक, लकड़ी का टाल, तुलसिया का पुल, MAH इंटर कॉलेज होते हुए रोजा तक चक्रमण किया। इस दौरान लाउडस्पीकर से ये अनाउंसमेंट किया जाता रहा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही रहें। नियम कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बंधुओं से अपील की कि लॉकडाउन का पालन करते हुए मुहर्रम पर्व पर किसी प्रकार का जुलूस ना निकालें। चक्रमण टीम में CO सिटी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाली प्रभारी दिलीप सिंह, यातायात प्रभारी प्रवीण यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी शामिल थे। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 132 केवी उपकेंद्र अंधौ के संगठन कार्यालय पर विद्युत मजदूर पंचायत के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आगामी 1 सितंबर से होने वाले शाम 4 से 5 बजे तक के विरोध सभा को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि 1 सितंबर को पूरे जनपद में उपखंडवार सभी अभियंता, जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी मिलकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध सभा करेंगे। संगठन के जिला मंत्री अरविंद कुशवाहा ने बताया कि पूर्व में जिस प्रकार से 9 जगहों पर विरोध सभा आयोजित की गई, ठीक उसी प्रकार सभी कर्मचारी 1 सितंबर से उन्हीं स्थानों पर पहुंचकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निजीकरण के खिलाफ 1 घंटे का प्रतिदिन विरोध सभा करेंगे। कहा कि कर्मचारी अपने जीते जी निजीकरण को स्वीकार नहीं कर सकते। गाजीपुर के गहमर थाना पुलिस को शनिवार की दोपहर बड़ी सफलता मिली। थाना प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान बिहार सीमा पर कर्मनाशा पुल के पास स्थित दंगल वीर बाबा मंदिर के पास एक स्कॉर्पियो और एक मैजिक को रोका। तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में देशी शराब और नमकीन के साथ ही एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। दोनों वाहनों से 3720 शीशी देशी और 8 बोरी नमकीन के साथ ही 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। बरामद शराब की कीमत 2,79,000 है। SO ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि शराब को बिहार में बिक्री के लिए ले जाया जा रहे थे। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में 12 चौकी प्रभारी राजेश बहादुर सिंह, कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार यादव, कांस्टेबल जैन सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल विनोद मौर्य और कांस्टेबल राजेश कुमार मौर्य शामिल थे। गाजीपुर पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग का क्रम जारी है। इसी क्रम में शनिवार को यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने नगर के रौजा, विश्वेश्वरगंज, लंका सहित अन्य मार्गों पर वाहन चेकिंग की। इस संबंध में यातायात प्रभारी श्री यादव ने बताया कि चेकिंग में बिना हेलमेट पर 61 वाहनों का चालान किया गया है। इसके साथ ही मास्क ना लगाने पर 8,000 का जुर्माना जमा कराया गया है। उधर गोरा बाजार चौकी प्रभारी अनुराग गोस्वामी ने चेकिंग में 70 वाहनों का चालान किया, 2,000 जुर्माना जमा कराया। कई बाइक सवार दूर से ही पुलिस पर नजर पड़ने पर बाइक घुमाकर वापस होते हुए नजर आए। शनिवार को सब डिवीजन नंदगंज के अंतर्गत सबुआ, मेहरौली, चोचकपुर में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम एवं विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापा मारा। सहायक अभियंता नंदगंज अमित कुमार ने बताया कि टीम ने इन तीनों गांवों में बिजली चेकिंग की। इस दौरान 32 लोगों के कनेक्शनों की जांच की गई। इसमें चोरी से चला रहे 5 पंपिंग सेट वालों के ऊपर एवं 3 घरेलू उपभोक्ता के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही बकाया जमा न करने पर 10 लोगों का कनेक्शन भी काटा गया है। बताया कि जितने लोग अवैध रूप से केबल खींचकर लाइन जला रहे थे, उन लोगों को विद्युत चोरी अधिनियम के तहत संगीन धाराओं में चालान किया जा रहा है और उनसे राजस्व भी वसूल किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी हरकत ना करें। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।